हाय व्यूअर्स, मैके स्टूडियो में आप सभी का वेलकम। एक वीर की अरदास। वीरा और बिग बॉस शो के रियलिटी शो से घर घर मशहूर होने वाली दियागना सूर्यवंश अक्षय कुमार के नाम पर 6 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गई है। जी हाँ, दियागना 21 साल की दियागना, जिनके खिलाफ पुलिस मुंबई पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और ये रिपोर्ट जीनत अमान की प्रोड्यूसर FM की तरफ से दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि प्रोड्यूसर को दियागना ने ये कहा कि उनके सलमान खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार से अच्छी जान पहचान है और वो शो के लिए प्रेजेंटर्स का अरेंज करेंगे। इस वादे के ऊपर दियागना ने अक्षय कुमार के नाम पर 6 करोड़ रुपया हथिया लिया है, इसलिए अब डायरेक्टर ने उन पर 420 और 406 के तहत पर्चा दर्ज कराया है, क्योंकि उन्होंने पैसे वापस करने से इनकार कर दिया है। जीनत अमान, जो कि कई अरसे के बाद फिल्मों में दोबारा कम बैक कर रही हैं और वो शो स्टॉपर वेब सीरीज के नाम से वापस आ रही हैं, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि उनके इस वेब सीरीज को आने से पहले ही ग्रहण लग गया है। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए डायरेक्टर मनीष ने ये बताया कि दियागना ने उनसे ये कहा कि उनकी तमाम मांग पूरी की जाए और उन्हें अच्छी रकम वसूल करने के लिए धमकाया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर मुझे अच्छी रकम ना दी गई तो आपको संगीन नतायज भुगतना होंगे और ये बात पुलिस में भी दर्ज कराई गई। दूसरी तरफ एक और चीज सामने आई कि ये दूसरी तरफ एक और चीज सामने ये आई गई बताया जा रहा है कि ये वेब सीरीज आने से पहले ही बंद हो गई, क्योंकि डायरेक्टर मनीष ने जो पैसा स्पॉन्सर से लगवाया था वो उनको अभी तक वापस नहीं किया गया और स्पॉन्सर अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। बताया जा रहा है कि मनीष ने इस सीरीज में एक्ट्रेसेस के भी पैसे नहीं दिए और 2 साल से उनकी फीस की वसूली लटकाई जा रही है और उस पर मनीष ने उल्टा इल्जाम एक्ट्रेसेस को लगाया कि उन्होंने उनसे 6 करोड़ रुपया लेके उनसे जालसाजी की। शो स्टॉपर सीरीज में जीनत अमान, दियागना, जरीना वहाब और करण कुमार जैसे बड़े अदाकारों ने काम किया है। पुलिस अब इस मामले की छानबीन कर रही है, क्योंकि मनीष ने अभी अपने इस वेब सीरीज को किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर सेल नहीं किया है। असल मामला क्या है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कीप वॉचिंग मेक स्टूडियो।